नमस्कार दोस्तों, तो की हाल चाल। पहाड़ों की इस खूबसूरत सुबह के साथ स्वागत है एक और नए फ्रेश और कमाल ब्लॉग में। दोस्तों, आज काफ़ी प्यारा मौसम बना हुआ है, काफ़ी प्यारी सुबह बनी हुई है। मैं अभी घर पे हूँ, रेडी हो चुका हूँ, तो जा रहा हूँ कसैली मार्केट को और जाना है हमने सरना की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों, ब्लॉग शुरू करते हैं, अपना दिन शुरू करते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक्स और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना खूबसूरत दिन और अपना खूबसूरत सा ब्लॉग। फ्रेंड, मैं जा रहा हूँ अभी कसैली की तरफ और पास में आलू का खेत है और यहाँ पे जो किसान हैं, छोटे बच्चे भी आ रखे हैं दो, और जो ये बुजुर्ग किसान हैं आलू से जो भी झाड़ पात है उसको उठा रहे हैं, उसको मतलब साफ़ कर रहे हैं। आलू अब उतने अभी उसके ऊपर आए नहीं हैं, लेकिन फिर भी कार्य तो करना ही होता है। फ्रेंड, पहुँच चुका हूँ कसैली मार्केट में, सुबह का समय है और चहल पहल जो है कसैली मार्केट की वो शुरू हो चुकी है। बच्चे जो स्कूली जाने वाले हैं स्कूल को जा रहे हैं, और जो नॉर्मल जीवन है गांव का या लोग इधर उधर जाते हैं मार्केट में दूध पहुंचाने आते हैं, तो उनका काम भी शुरू हो चुका है। शहरों में तो लोग अभी उठे नहीं होंगे, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग उठे होंगे। और सामने है मुक्तेश्वर घाटी, बढ़िया व्यू देखने को मिल रहा है, हिमालय देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, हम चल दिए हैं सरना की तरफ, पद्मपुरी पे पहुँचने वाले हैं, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ सड़क कितनी प्यारी बनी हुई है, नया डामरीकरण हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, पद्मपुरी तक सड़क कितनी मस्त बनी हुई है, क्या प्यारी सड़क लग रही है। डामरीकरण हो गया है सड़क पे, तो नक्शा ही बदल गया रोड का, काफ़ी बढ़िया एकदम प्यारी सड़क। तो दोस्तों, पहुँच गया हूँ पद्मपुरी पर। देखिए पद्मपुरी की नदी, पानी बहुत कम है, अभी पुल पर खड़ा हूँ पद्मपुरी, और यहाँ से ले जाना है हमने चूना। तो चूना खोज रहे हैं दुकानों पर, तो चूना मिल जाता है तो उसको लेके चलेंगे ऊपर। यहाँ से 8 किलोमीटर जाना है सरना की तरफ, और सामने नदी, बिल्कुल पानी बहुत कम हो चला है, तो वहाँ निकालना है हमने लेआउट। तो उसी के लिए यहाँ पर चूना खोज रहे हैं। ऊपर देखिए जंगल कितना मस्त दिख रहा है अभी। तो दोस्तों, फाइनली पहुँच चुका हूँ सरना पद्मपुरी पे। पद्मपुरी जो मेन मार्केट है उससे लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर अभी मैं हूँ, और सामने यहीं पर हमारा प्लॉट है, और बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आना हो रहा है, और आपको आपके साथ भी शेयर करता हूँ क्या काम यहाँ पर हो रहा है, आसपास कैसा माहौल है, और क्या काम करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो नज़ारे भी आपको दिखाऊँगा, और आसपास कैसा माहौल बना हुआ है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। गाड़ी पार कर दी, पीछे पूरी टीम हमारी आ चुकी है, अमित भाई आए हैं, मिस्त्री जी आए हैं, पास में हमारा प्लॉट है। तो देखते हैं यहाँ कैसा हो रहा है काम, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आज हम करने के लिए आए हैं, और मौसम कैसा है यहाँ का। तो चलिए दोस्तों, देखिए नीचे ये प्लॉट एकदम मैदान हो चुका है, रिटेनिंग वॉल यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, पीछे जितना भी यहाँ पे काम हो रहा था मिट्टी कटान वगैरह का वो सब क्लीन हो चुका है, इतना पत्थर निकला है देखिए। और मिस्त्री जी आए हैं, सभी लोग यहाँ पर वर्कर हैं, काम अपना जो है चला हुआ है। बाकी व्यू देखिए आज यहाँ से, अक्टूबर नवम्बर जो जाड़ों के समय में हम यहाँ पर आते थे तो काफ़ी बढ़िया क्लीन व्यू हिमालय सामने की तरफ बढ़िया देखने को मिलता था। आजकल गर्मियों के दिन हैं, इस तरफ को जंगल है चीड़ का थोड़ा, और व्यू थोड़ा हल्का धुंधला टाइम नज़र आ रहा है। बाकी हवा चल रही है ठंडी ठंडी, वो तो काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी ऊंचाई पे हैं पद्मपुरी से, लगभग हम 8 किलोमीटर की अभी ऊँचाई पर हैं। पास में घर, आसपास आलू की खेती हो रखी है, काफ़ी मस्त आपको दिख रही होगी। ऊँची ऊँची जगहों पर भी लोग बसे हुए हैं, और इस तरफ को भी सारे आलू लगे हुए हैं ये ऊपर को, और काफ़ी सुंदर नज़ारे, सुंदर व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। ऊपर से चलती हुई ठंडी हवा, काफ़ी मस्त प्यारा माहौल यहाँ पर बना हुआ है। तो चलिए जो काम हम यहाँ पर करने के लिए आए हैं उसको करते हैं। नीचे एकदम नदी है, वो पूरी सूखी नज़र आ रही है। आजकल पहाड़ों पे पानी बहुत कम हो चुका है, स्रोत कम होने लगे हैं, एक आधी बारिश की ज़रूरत है। और ये नींबू का पेड़ क्या मस्त लग रहा है देखिए। दोस्तों, कार्य चला हुआ है, अब देखते हैं समय कितना लगता है, क्योंकि पूरा लेआउट निकालना है, सभी कॉलम कहाँ पर कौन सा कॉलम है सब निकालना है, तो समय तो लगता है, बारीक काम है। और सामने की तरफ व्यू देखिए, अभी धुंधला व्यू हो चुका है, और बादल भी आए हुए हैं आसमान में, तो मौसम एकदम थोड़ा बदल सा गया है अभी। तो दोस्तों, शाम के 3 बज रहे हैं अभी, लगभग आधा काम हमने कर लिया। इसके बाद हमने
जितने भी हमने निशान बनाए कॉलम के निशान, तो सब पे अभी चूना करना है। तो उसके बाद फाइनल लुक अभी आपको दिखाऊंगा, और बताइएगा किस प्रकार हमारा काम रहा और आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करिएगा। तो ये देखिए दोस्तों फाइनल लुक, जो सभी कॉलम हमने अपने निकाल लिए हैं, कहाँ पे कौन सा कॉलम आना है तो उस पे कर दिया है चूना। तो लुक कैसी आ रही है कमेंट में बताइएगा। तो काफ़ी मेहनत भरा काम रहा, बारीक काम है, तो दिन भी लग गया, लगभग 4:30 बजे का समय हो गया है। अभी खाना भी नहीं खाया और मौसम एकदम बदला हुआ सा नज़र आ रहा है और जाड़ा भी हो रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों करीब 5 बजे का समय हो रहा है, हम 10 बजे घर से निकले हुए थे। लगभग सारा काम हमने यहाँ पर कर लिया, काफ़ी मेहनत लगी। अब खाना भी नहीं खाया, भूख भी जोरों की लग रही है और मौसम भी काफ़ी अलग सा हो चुका है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और हल्का सा जाड़ा हो रहा है। काफ़ी ऊँचाई पर हैं हम, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है यहाँ पर। सामने की तरफ पूरा खुला व्यू है, हिमालय व्यू देखने को मिलता है, तो काफ़ी ठंडी हवाएँ आती हैं। तो दिन तो पूरा लग गया हमारा आज यहाँ पे, मेहनत काफ़ी होगी, भूख भी बहुत लग गई है। तो हमारे साथ हैं, मेरे साथ हैं हमारे टीम के सबसे सीनियर मेंबर आरिफ भाई, ये हमारे हेड मिस्त्री हैं। तो भैया कैसा रहा आज काम? आज का बहुत बढ़िया काम रहा, दिन तो पूरा ही लग गया हमारा आज। पूरा दिन खराब हो गया लेआउट निकालने में, चूना पूना डालने में। तो भूख भी काफी लग रही है आपको? लग रही है, काफी लग रही है, बहुत भूख लग रही है। अब जाते हैं कुछ खाएंगे। हाँ तो आप यहाँ से निकलते हैं। ये सीनियर मेंबर है हमारे, पीछे है अमित भाई और एक टीम के मेंबर और। तो चलते हैं, तो सब लोग यहाँ से काम करके अपना निकलते हैं यहाँ से। तो पहले कुछ खाना वाना खाएंगे, फिर चलेंगे घर की तरफ। यहाँ से जाना है सीधे पदमपुरी, जो कि 8 किलोमीटर की दूराई पे है। अमित भाई बैठ चुका है गाड़ी पे, गाड़ी बैक करके लाता है, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड हम लोग धारी पे कुछ खा लेते हैं यहाँ पे। ऊपर जो है वो हमारी तहसील है, जहाँ पे रजिस्ट्री वगैरह होती हैं सभी लोग। तो चलते हैं इस पास वाले छोटे से होटल, छोटा सा ढाबा है, तो खाना वाना देखते हैं कुछ मिलता है तो यहाँ पे। तो दोस्तों शाम का समय ही है, कचले मार्केट पहुँच गए थे और इसके बाद जा रहा हूँ अब घर की तरफ को। काफ़ी प्यारा मौसम बना हुआ है और बढ़िया फील हो रहा है यहाँ पे। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ से आया था, हम कहाँ गए थे सुबह। तो फ्रेंड सामने है कचले मार्केट, जहाँ से मैं घर की तरफ को आ चुका हूँ, नीचे भलुगाड़ वाटरफॉल रोड। और देखिए सामने है चकूटा साइड और इस तरफ को है भलुगाड़ वाटरफॉल पे जो कैंप हैं, काफ़ी बढ़िया जगह पर हैं और रात को काफ़ी बढ़िया दिखाई देते हैं। और सामने का तरफ धनाचुली व्यू और इसी की ऊंचाई जाती है यहाँ पे, तो वहाँ गए थे हम। लास्ट जो पहाड़ी दिख रही है वहाँ पे, उसके टॉप में, तो वहाँ पे है सरना। और मौसम देखिए कितना प्यारा बना हुआ है अभी। और कसैली मार्केट में भी पूरी सुनसानी बनी हुई है अभी। तो चलते हैं दोस्तों घर की तरफ, थकान भी बहुत हो गया है, दिन भर दौड़ भाग काफ़ी हुई, काफ़ी काम हुआ। करीब 5 बजे हमने आज अपना दिन का खाना खाया। अमूमन कभी काम की वजह से ऐसा भी हो जाता है। तो पहुंचते हैं घर पे और शाम के खूबसूरत नज़ारे दिखाता हूँ। दोस्तों घर के पास में पहुंचने वाला हूं और चलते चलते हवा चल रही है, आसपास जंगल है पूरा, देखिए पेड़ पौधे हैं, क्या ठंडी हवा मिल रही है, एकदम मन को इतना शांत कर रही है हवा। और मौसम भी कितना प्यारा बना हुआ है, देखिए बादल लगे हैं फिर से, 2 दिन हो गए हैं और बारिश का इंतज़ार है। सामने आलू हो रखे हैं, ऊपर आलूओं को भी बारिश का इंतज़ार है, पता नहीं बारिश होगी कब। सामने देखिए हवा से क्या पेड़ हिल रहे हैं और क्या खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। फ्रेंड रात के करीब 8 बजने वाले हैं और लाइट अभी गई हुई है। सामने की तरफ जो आपको लाइट दिख रही है पदमपुरी सरना की तरफ है, धानाचुली गाँव में लाइट है। और मेरे पड़ोसी गाँव जो सूफी काफली गांव है वहाँ अभी लाइट नहीं है, और हमारे गांव यानी कि गजार गांव में भी अभी लाइट नहीं है। ये जितनी भी आपको लाइटें दिख रही हैं ये सारी सौर ऊर्जा हैं जो सरकार द्वारा मिली हैं लोगों को, और किसी की इलेक्ट्रिक बैटरी वाली बल्ब होती है वो लगी हुई है। इतनी रोशनी फ़िलहाल काफ़ी है और हवा चल रही है काफ़ी तेज़ पहाड़ों में। अभी आप महसूस कर रहे होंगे हवा को, हवा की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो इस प्रकार का माहौल अभी पहाड़ों पर बना हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा दिन भर का ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद और बाय बाय।